उनके समय में कई नरसंहार, जातीय नरसंहार हुआ था, कई अपराधियों की गोली के शिकार हुआ था, किसी एक पर भी संवेदना व्यक्त कर देते और ट्वीट कर देते तो लोगों को राहत लगता। इन अपराध और भ्रष्टाचार के कारण एक आग लग रहा है, अराजकता का वातावरण बन रहा है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, इस पर भी आपकी ट्वीट आनी चाहिए। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, उनके भगवत भजन राम कथा में सम्मिलित होइए। आपका स्वास्थ्य उनकी हनुमान जी की कृपा से कुछ और बेहतर हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि भारत के मणिपुर में हिंसा की खबर सामने आई है, उसके बाद जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई, और ऐसे में मणिपुर हिंसा को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, और लालू प्रसाद यादव के अब ट्वीट को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला, और क्या कुछ कर पहले आप इस वीडियो में देखिए। मणिपुर हिंसा मामले पे लगातार जो है सरकार पलटवार कर रही है, क्या नहीं देखिए, मणिपुर हिंसा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये घटना पर निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील है, गृह मंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का जो ट्वीट और बयान आ रहा है, चलिए देर से ही सही, संवेदना तो कम से कम जगा। हम तो उनसे चाहेंगे कि बिहार में जो दर्जनों हत्याएं हो रही है, उनके समय में कई नरसंहार, जातीय नरसंहार हुआ था, कई अपराधियों की गोली के शिकार हुआ था, किसी एक पर भी संवेदना व्यक्त कर देते और ट्वीट कर देते तो लोगों को राहत लगता। आज भी कम से कम बिहार के अंदर जो अपराधियों की गोली से शिकार हो रहा है, भ्रष्टाचारियों के कारण जिसका परिवार का भविष्य और नौजवानों का प्रतिभा दांव पर लग रहा है, बिहार में इन अपराध और भ्रष्टाचार के कारण एक आग लग रहा है, अराजकता का वातावरण बन रहा है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, इस पर भी आपकी ट्वीट आनी चाहिए। अपने परिवार और अपने पुत्र की भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, उसके भविष्य के नाम पर, नियुक्ति के नाम पर घोटाला न हो। पुराने अनुभव को शेयर करते हुए एक नया स्वच्छ वातावरण बनाइए कि पवित्रता और ईमानदारी से नियुक्ति हो, अपराध भ्रष्टाचार रुके और हिंसा रुके, जातीय उन्माद न फैले। इस पर भी आपका ट्वीट आना चाहिए, बिहार की जनता ये अपेक्षा रखती है। ऐसे भी चौथापन है, लास्ट आवर है, आपको माननीय न्यायालय से स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजा है, और आप राजनीति कर रहे हैं तो भगवत भजन करिए। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, उनके भगवत भजन राम कथा में सम्मिलित होइए। आपका स्वास्थ्य उनकी हनुमान जी की कृपा से कुछ और बेहतर हो जाए, ताकि अपने परिवार और अपने दल के लोगों को, जिसका नकारात्मक मानसिकता से बिहार के वातावरण को दूषित कर रहे हैं, उनकी भाव में सकारात्मकता आ जाए और सामाजिक समरसता और एक सकारात्मक ऊर्जा का। तभी आपने देखा जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए साफ साफ कहा कि देर से आए लेकिन दुरुस्त है, और वहीं नहीं, विजय सिन्हा ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से बिहार में दर्जनों हत्याएं हो रही है, इसको लेकर भी उनको ट्वीट करना चाहिए। और जब वो सरकार में थे, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो जो जातीय नरसंहार होता था उस पर भी इनको ट्वीट करके संवेदना व्यक्त करना चाहिए। और वही नहीं, विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, उस बाबा के जो कथा वो कहेंगे, उस कथा में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जाना चाहिए, इनके सेहत में काफ़ी कुछ सुधार होगा, और जो भी इनके मंत्री हैं नकारात्मक सोच के, उनका जो सोच है वो सकारात्मक होगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे विजय सिन्हा, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े, तब तक के लिए धन्यवाद।